नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम स्टडी विद राकेश में। और हम हिंदी के आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज पढ़ेंगे, जहां से ये परीक्षाओं में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और अक्सर इन्हीं रचनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं और ये आदिकाल का पार्ट टू है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। परमार रासो किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है दलपति विजय, नरपति नाल, जगनिक, और इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जगनिक। परमार रासो के रचनाकार कौन है? तो जगनिक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है विजय पाल रासो किसकी रचना है? ऑप्शन है सारंगधर, नाल सिंह और विद्यापति, इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नाल सिंह। कौन है? नाल सिंह। तो विजय पाल रासो किसकी रचना है? तो नाल सिंह की रचना है। किसकी रचना है? तो नाल सिंह की रचना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भविष्यत का किस कवि की रचना है? भविष्यत का किस कवि की रचना है? अब्दुल रहमान की है, धनपाल की है, स्वयंभू की है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा धनपाल की है। भविष्यत का किसकी रचना है? तो धनपाल की। ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 सही हो जाएगा, धनपाल। ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही होगा, धनपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? मुनि जिन विजय की रचना है, चंद्रवरदाई की है, विद्यापति की है, या इनमें से कोई नहीं। भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? इनमें से आपका सही उत्तर हो जाएगा मुनि जिन विजय, ऑप्शन नंबर 1, मुनि जिन विजय। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचनाकार कौन है? तो मुनि जिन विजय हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? आपका ऑप्शन दिया गया है दलपति विजय, जगनिक, विजय सेंसूरी, और इनमें से कोई नहीं। तो रेवंत गिरिरास किस कवि की रचना है? आपको बताना है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजय सेंसूरी। कौन हो जाएगा? विजय सेंसूरी, ऑप्शन नंबर 3 में इनमें से सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रावकाचार्य किसकी रचना है? ऑप्शन दिया गया है धनपाल, कुतुबन, स्वयंभू, इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ना ही धनपाल है, ना ही कुतुबन है, ना ही स्वयंभू है। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? तो देवसेन है। कौन है? देवसेन है। श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? देवसेन है। आगे बढ़ते हैं, देवसेन के किस उत्तर में दिया गया है? स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? जैन धर्मसूरी की है, जगनिक की है, धनपाल की है, या इनमें से कोई नहीं। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? तो इसमें से आपका वो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जैन धर्मसूरी है। कौन है? जैन धर्मसूरी। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? तो जैन धर्मसूरी की रचना है। बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मृगावती किसकी रचना है? मुकुधर मधुकर भट्ट की है, कुतुबन की है, भटकेदार की है, इनमें से कोई नहीं। मृगावती किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें से 2 सही हो जाएगा, कुतुबन की। मृगावती किसकी रचना है? तो कुतुबन की है। कुतुबन की किसकी रचना है? कुतुबन की। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने कहा, मिश्र बंधु ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है तो इनमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल का आदिकाल नाम किस कवि ने दिया? आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या इनमें से कोई नहीं। आपको सही जवाब देना है तो आपका ऑप्शन नंबर इनमें से 3 सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल का आदिकाल नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था?
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमन राजे या मिश्र बंधुओं ने? आपको सही जवाब देना है आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था, जिसमें से आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था, तो आदिकाल को बीज बपन काल ने बीज बपन काल कहा था, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था आदिकाल को, और महावीर प्रसाद ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा था। इनमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, और आदिकाल से और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं लाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।